ईवीएम वोट आ रही है ईवीएम में लूट करके। 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव बामसिफ कर रही है। अगर पंजाब खड़ा हो गया, देश का हर प्रदेश खड़ा होता चला जाएगा। अगर मगर कुछ नहीं, पंजाब खड़ा हो गया। इस बार इलेक्शन बैलेट पेपर से स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, कल दिल्ली में ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय को घेरा जाएगा, चुनाव आयोग के दफ्तर को घेरा जाएगा और मांग है ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। आपने देखा होगा कि जो लोग भी आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनके ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं, उनको उठा के अंदर बंद कर दिया जाता है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिला पहलवान हो, तो आखिर इस सरकार को वोट दे कौन रहा है? जनता को नब्ज अब समझ में आती जा रही है। अगर सरकार चाहती तो किसी भी वर्ग को नजरअंदाज नहीं करती, किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करती, क्योंकि उससे सरकार को वोट नहीं मिलते, सीटें जाने का खतरा होता। लेकिन अब सरकार को शायद लोगों के वोटों की नहीं बल्कि ईवीएम की जरूरत है। जनता को नब्ज अब पकड़ में आ गई है कि ये सारा खेल ईवीएम का है, सारा गड़बड़ झाला ईवीएम से किया जाता है। आपने पिछले दिनों में देखा कि 3 राज्यों में गोदी मीडिया ने ये दिखाया कि सरकार यहां पर जा रही है, यानी कि सत्ता पक्ष को यहां पर वोट नहीं मिलना है। जितने भी सर्वे हुए वो सारे सरकार के खिलाफ थे, लेकिन आपने देखा जब रिजल्ट आया तो वहां पर बहुमत से सरकारें बनाई गईं। इससे लोगों में और ईवीएम के खिलाफ यकीन पैदा हो गया कि कहीं ना कहीं सरकार गड़बड़ झाला करती जरूर है, और इसके खिलाफ देश के कोने कोने से आवाजें उठने लगी हैं। और अब ईवीएम के खिलाफ देश के हर कोने से आवाज उठना शुरू हो गई है, और इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भानु प्रताप जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बलराज मलिक साहब ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, भारत मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन दे दिया है। इसके मुखिया हैं बाबन मिश्राम, कल उन्होंने एक बड़े मोर्चे के साथ चुनाव आयोग के घेराव के लिए कहा है। इधर भानु प्रताप जी पठानकोट पंजाब में मौजूद है, वहां किसानों से बात की जा रही है कि आप लोग भी ईवीएम आंदोलन में हमारे साथ हैं, कल हम भी आपके आंदोलन में आपका साथ देंगे। एडवोकेट जी का जहां आने पर इनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, डॉक्टर अम्बेडकर मिशन, सीपीआई जैसे ये जथेबंदियां, भीम आर्मी, भारतीय किसान यूनियन, सभी लोग हम जो भानु प्रताप जी मिशन लेकर चले हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, और किसानों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अगर ये सरकार 2024 में दोबारा से आ जाती है तो हो सकता है किसी दिन रात को 8:30 बजे टीवी पर आकर ये कहा जाए कि आपकी मनपसंद, आपकी चहेती सरकार ही हमेशा देश में रहेगी, क्योंकि आपने इसको बहुत ज्यादा प्यार दिया है और आज के बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। आइए मैं कुछ आपको और बयान सुनवाता हूँ आंदोलन से जुड़े। सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, बेरोजगार युवा सड़क पर है, हम लोग सड़क पर हैं, तो फिर वोट कहां से आ रहे हैं? वोट आ रहे हैं ईवीएम में लूट करके, इसीलिए हमारा ये आंदोलन। 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव बामसिफ कर रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है उसमें BIS के सर्टिफिकेशन होने चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी का जो सर्टिफिकेशन होने चाहिए वो नहीं। सभी मकानों से सभी मकानों से अगर पंजाब खड़ा हो गया, देश का हर प्रदेश खड़ा होता चला जाएगा। अगर मगर कुछ नहीं, पंजाब खड़ा हो गया, और पंजाब इस प्रदेश में 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देगा। दोस्तों, अगर आप ईवीएम आंदोलन को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल इस आंदोलन के मैं आपको बहुत सारे वीडियो दिखाने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।